हेलो दोस्तों, आरएनपी हेल्थ टिप्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के फिटनेस को लेकर चिंतित हैं तो मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह टिप्स विशेषकर नौजवानों के लिए हैं जो जिम ज्वाइन किए हैं, जो अपने बॉडी को लेकर चिंतित रहते हैं, जिनके पास स्टेमिना की कमी है, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में यह टिप्स घर के कोई भी सदस्य भी अपना सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप प्रोटीन संबंधित या न्यूट्रिएंट संबंधित आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना में अपने प्रयोग करो। तो दोस्तों, अगर आप डेली डेली चिकन मटन या नॉन वेज नहीं खा सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वह आप अपने घर पर ही ईजी कर सकते हैं। दोस्तों, हम जिसका बात कर रहे हैं वह काले चने यानी चना, चना जो हम आए दिन अपने बाज़ार में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, जो अपने घर पर भी अवेलेबल रहता है। किसी ने कहा है दोस्तों कि काला चना यानी चना है मर्दाना लेकिन घोड़ों का दाना। इससे यह साबित हो रहा है कि चना इतनी पौष्टिक होता है, इतना उसमें ताकत होता है कि वह घोड़ों को भी खिलाया जाता है। ऐसे तो दोस्तों चना कोई भी यूज करता है, लेकिन पुरुष यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मुट्ठी के हिसाब से आपको चना को रात को पानी में भिगो देना है और सुबह में उसको गुड़ के साथ में उस चना को खाना है। दोस्तों, काले चने जो होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर, वह पुरुष के शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। शरीर में कमजोरी और हमारी मर्दानी ताकत को भी बढ़ाता है, इसलिए खास तौर पर पुरुष को काले चने यानी देसी चने का यूज करना ही चाहिए। अगर दोस्तों आपके पेट में दर्द हो रहा है या कब्ज हो रहा है तो रात में भींगे हुए चने को सुबह में अदरक और जीरा और काले नमक के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपके पेट में बहुत ही आराम होगा, क्योंकि चने में पाए जाने वाले फाइबर हमारे पेट को साफ करता है और साथ में ही कब्ज को भी दूर रखता है। दोस्तों, अगर किसी का स्पर्म काउंट कम बन रहा है या ना के बराबर बन रहा है तो उनके लिए देसी चना, जो किसी वरदान से कम नहीं है, रात को भिगाया हुआ चना को सुबह आप गुड़ के साथ खाते हैं तो उसमें जिसका स्पर्म काउंट कम बन रहा है या जिसके ना के बराबर बन रहा है उसमें बनना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों, किसी को यूरिन के प्रॉब्लम है, उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो यह देसी चना और गुड़ सुबह में खाने से बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अगर किसी को स्किन संबंधित प्रॉब्लम है उसमें भी अगर आप देसी चना और गुड़ खाते हैं मॉर्निंग में यानी सुबह में तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से आप चना का यूज करिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि किसी को ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत पूरा हो सके। और दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दोस्तों आरएनपी हेल्थ टिप्स में एक जल्द ही हम विनर का नाम घोषित करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि आपका भी नाम उसमें आ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।